आपके पास Amazon Fire Stick है या Fire TV है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही है। यहाँ मिलने वाले हैं आपको ऐसे फीचर्स जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो हम बताएंगे आपको 5 ऐसे फीचर्स जो Amazon डिवाइसेस ओनर्स को चौंका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंस्टेंट रीबूट। तो ये इंस्टेंट रीबूट क्या है? वेल, रीबूटिंग आपके डिवाइस को एक बार फिर से शुरू करता है या रीस्टार्ट करता है, जिससे आपके पुराने बैकलॉग्स या कैश क्लियर हो जाता है। इस बैकलॉग की वजह से आपको कई बार आपके शोज स्लो हो जाते हैं या कुछ और ऐप्स फ्रीज भी हो जाती है। डेफिनेटली आपको ये तो नहीं चाहिए, इसलिए रीबूट एक बेहतर फीचर है। और तो और, आप अपनी ऐप्स को फोर्स क्लोज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए आपका फायर स्टिक रिमोट, और यहाँ आपको प्रेस करना है सेंटर बटन और प्ले बटन को अगले 5 सेकेंड्स के लिए। नाउ इससे आपको स्क्रीन पे दिखेगा योर फायर टीवी स्टिक इज पावरिंग ऑफ और आपका डिवाइस रीसेट हो जाएगा। आप देखेंगे अपने टीवी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो गई है, और अगर आपका टीवी हैंग कर रहा था तो वो इशू भी रिजॉल्व हो गया है ना, कमाल की बात। दूसरा है एडिंग ब्राउजर। क्या आप जानते हैं कि आपका फायर स्टिक टीवी एक कंप्यूटर की तरह है, और यहाँ आप ब्राउजर्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो आप एक रेगुलर कंप्यूटर पे कर सकते थे वो फायर टीवी पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे जाइए और फाइंड पे क्लिक कीजिए, फिर सर्च में जाके टाइप करिए ब्राउजर। यहाँ आप इंटरनेट ब्राउजर बाय Amazon पे जाके वो सब कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर पे करते हैं। तीसरा है ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्शन। आपका फायर स्टिक आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट करने देता है, जैसे कि हेडफोन्स, कीबोर्ड्स, गेम पैड्स और भी बहुत सारी डिवाइसेस। इसके लिए आप फायर स्टिक के सेटिंग सेक्शन में जाइए, कंट्रोलर और ब्लूटूथ डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए, अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस सेलेक्ट करिए, और ये आपको किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा और आपका एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग बना देगा। अगला है हिडन टेक्स्ट बैनर। नाउ आप टीवी पे नया या पुराने शोज के आइकन और थंबनेल्स तो देखते हैं, पर इनके बारे में थोड़ा और जानने के लिए आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसी को टेक्स्ट बैनर कहते हैं, और इसके लिए आप उस पर्टिकुलर शो या मूवी पे जाइए और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड का बटन 3 सेकेंड के लिए एक साथ प्रेस कीजिए। यहाँ से आपको शो की IMDb रेटिंग, मूवी या शो का लेंथ और मूवी का एक जिस्ट भी मिलेगा। वेल, इस फीचर को इस स्क्रीन से हटाने के लिए वापस दोनों बटन्स को 3 सेकेंड के लिए प्रेस कीजिए। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। तो आप क्या करेंगे अगर आपका रिमोट खराब हो गया है, खो गया है, या उसकी बैटरी नहीं है और आपको भी फायर स्टिक यूज़ भी करना है? तो आपको सिर्फ Amazon Fire TV ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा, भले ही वो एंड्रॉयड हो या iOS। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक भी है, आपका फ़ोन आपके टीवी के वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि फायर स्टिक के रिमोट का ब्लूटूथ टीवी से कनेक्ट होता है बट फ़ोन से नहीं। तो एप्लीकेशन हैंडी है, बट हाँ, आप अपना टीवी का रिमोट अपने साथ रख सकते हैं इसके बाकी फीचर्स इन्जॉय करने के लिए। तो कैसा लगा आपको फायर स्टिक के ये हिडन फीचर्स, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।